कई घरों में काम कमेटी मिल रहा है, मगर उनको कई बेनिफिट उठा सकते हैं वो। मेरे पास ऐसे कई स्कीम है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, मगर उसके आमदनी 500 हजार घर बैठे कमा सकते हैं आप। अगर बस्ती दवाखाना लगाएंगे आप तो बस्ती के अंदर छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज के डॉक्टर भी रहेंगे, तो 500 हजार जो एक दिन के अंदर वो बचेंगे, तो सारी चीजों की सहूलत हम आसानी से पहुँचा सकते हैं। देखिए वायरस में एक हॉस्पिटल है, उसकी हालत होता है, अगर उसे अच्छा एलिमेट करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का काम बंद हो जाएगा, वहाँ से फंड बंद हो जाएंगे। इस वजह से सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूलों की तरफ कोई नजर नहीं है। अगर कल सरकार भी बदलती है, सरकारी स्कूल अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो दूसरी सरकार आने वाले भी उसे मेंटेन करेगी, उसको करना ही पड़ेगा। अगर प्राइवेट स्कूल आ तब मेरे हार जाता है तो कहता है भाई आप मेरी ताकत नहीं है, आपके 1000-2000 बच्चों को पढ़ा रहा निकाले दिया, अब मेरे स्कूल सिर्फ प्राइवेट है, मेरी आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, बेटा ट्रस्टी है, मेरी जमात से इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि सर चंदन घूटे के बाद मैंने खुद कोर्ट देखा है, उसके ऊपर कोई जमात का नाम नहीं था, सिर्फ फादर संध्या नाम था, बाप और बेटे का नाम था। अब हमारी आंखें खोलने का वक्त है, अगर आप अब आंखें नहीं खोलेंगे तो जैसा कोई आने वाला नहीं। ये एक चट्टान की तरह आया है, ये गांधी की तरह आया है, अब बस सिर्फ इसके अंदर मिल जाओ, ये तूफान बन के सब चीजों को साफ करते चला जाएगा, लीक लेस हो जाएगा, एक आदमी गांव से निकला शहर की तरफ आया, शहर में वो एक साल काम किया, एक साल काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए, छुट्टी जब उसको 1 महीने की मिली वो सीधा से गांव की तरफ निकला, ये सोचते हुए निकला कि भाई मैं मेरी बेटी को बेटी की शादी करूंगा और घर का जो बचा हुआ काम है वो मुकम्मल करूंगा, और बहुत सारे स्कीम बना के बस में बैठा। जब बस चलना शुरू हुई तो कंडक्टर ने उससे टिकट पूछा, वो जैसे जेब में हाथ डाला तो उसके सारे पैसे चोरी हो चुके थे, वो परेशान हो गया, कंडक्टर से आगे की मदद करने लगा, भाई मुझे घर मेरे गाँव तक छोड़ दो। तो उसने कहा भाई आप जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता, आप बस में से उतर जाइए। पीछे से एक शख्स ने आवाज दी, भाई इसे रहने दो मैं इसका टिकट दे दूंगा। वो बहुत खुश हुआ, उसका शुक्रिया अदा किया, उसके पेट में मुझे डाला, उसके बाद उसके लिए बहुत ही हाथ उतार किया, तब तक किया जब तक गाँव आ गया, गाँव से उतर जब गांव के पास उतरना तो फिर कहा आपकी मर्जी में मेरे गाँव पहुंच गया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो बाद में जब आपको पता लगेगा तो आपको हैरान रह जाएंगे, उसके पैसे किसने चुराए, वो जो टिकट दिया था उसी ने सारे पैसे चुरा लिए उसके। तो हमारी गवर्नमेंट जितने में कोई काम कर रही है, तो थोड़े बहुत वोट डाल देती है, थोड़े बहुत हमारे स्ट्रीट लाइट लगा देती है, कुछ बुनियादी सहूलतें हमारे मुंह पे रख देती है ताकि हम खुश हो जाए। देखिए अक्सर इलेक्शन के सामने काम शुरू हो जाते हैं, ये कराओ वो कराओ, उनका मकसद एक नहीं होता, उनका इरादा साफ नहीं होता, उनका इरादा ये होता है कि भाई अगर हम सवाल करें तो हम ये तो कहेंगे अरे भाई परसों तो वोट डाले आपके पास, इलेक्शन से पहले डालते, 4 साल तक हुए तो उनके इरादा नहीं आता कि हमने क्या। और हर आदमी टैक्स देता है, चाहे वो रक्षे वाला हो, ऑटो वाला हो या छोटी दुकान वाला हो, फौरन कहा जाएगा कि हम टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, कहां से देते हम टैक्स, हमारे पास टैक्स देने के पैसे कहाँ है। मैं बताता हूँ जो आप चाय पीते हैं उसमें से 10% टैक्स जाता है, आप कपड़ा खरीदते हैं उसमें से 10% टैक्स कटता है, और कई दूसरे चीजों में से तो 14% टैक्स कटता है, आप दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, ये सारे चीजों में से जो टैक्स निकलता है वो टैक्स के बाद ये सारा टैक्स लेके उसका जब हिसाब किया जाता है तो 100 करोड़ रुपए का टैक्स आपको पे कर देती है, जब वो टैक्स के अंदर से हमारे को उसका 10% हिस्सा भी हमें नहीं दिया जाता है, ये हमारी गवर्नमेंट आती है। मैं वादा करता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट भी अगर आएगी तो उसके अंदर आपका भाई कोई एमएलसी बन के नहीं जाएगा, आपका चुनाव मुनासिब किया हुआ उसने सफल होगा, वो वहाँ पे जाएगा एक एमएलए की जो ताकत होती है वो पूरी वहाँ पे लगा के आपका ईमानदारी से आपका हाथ पहुँचाएगा। मैं सारी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपना वोट
सोच समझ के दे, किसी की तकरीर में या किसी के भड़काऊ भाषण से या कान खुश होने वाली तकरीर या नारे लगाने वाली बातों से आप कभी खुश ना हो। चलना है चल रहा हूँ, निकलेंगे रास्ते, मंजिलें किसी के नक्श कदम देखती नहीं, तो मैं निकल पड़ा हूँ, मंजिल मेरे सामने है और आपका और एक ही ओर डाले और वो डाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को डाले, ईसा मिश्री को डाले और भारी अस्तरीय से हमें मुनाफिर करे। मैं अपनी तकलीफ को और लंबी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम हर काम का जो मेरा तरीका है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की दिल से मेरे दिमाग से हर चीज से मैं मजहब की फिक्र करता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की फिक्र करता हूँ। मैं हर फैसला मेरा 5-10 मिनट